हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टिंगल की रसोई में। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्की चाट, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिए हैं सफ़ेद मटर, जिसको हमने रात भर के लिए भिगो कर रख लिया था। तो मटर का पानी हम निकाल कर दूसरा पानी से हम इसको धो लिए हैं। अब हम मटर को डालेंगे कुकर में। ये वही मटर है जिसका हम घर पर चावल के साथ या फिर रोटी के साथ छोला बनाते हैं, वही वाला मटर है। तो मटर को डालेंगे कुकर में हम, और पानी डाल देंगे। हमको इतना पानी चाहिए जितना में हमारा मटर अच्छे से डूब जाए। तो देखिए, हमें पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी हम कलर के लिए डाल रहे हैं। और आधा चम्मच नमक डालेंगे। और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे ताकि हमारा जो मटर है अच्छे से गल जाए। चाट बनाने के लिए हमें मटर जो है वो सॉफ्ट चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाले हैं। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है इसमें। तो कुकर का ढक्कन करेंगे बंद और गैस पर चढ़ा देंगे, और 3 से 4 सीटी हम लगाएंगे। तब तक हम इधर मसाले देख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर हम लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज। हम प्याज थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हमने कुछ पनीर लिए हैं, पनीर को हम पीसेस में काट लिए हैं। तो मसाले में हम लेंगे यहाँ पर जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल चिल्ली पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हल्दी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे हम सरसों का तेल, तो यहाँ पर हम पहले चाट बनाएंगे, उसके बाद हम टिक्की बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि पनीर को बिना फ्राई किए हुए चाट में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम पनीर को डालकर थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। पनीर टिक्की चाट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पनीर डाल देने से टेस्ट उसका और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर पनीर डाल रहे हैं। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो हमारा पनीर हो गया है, अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। और फिर हम इसी कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। हम यहाँ सरसों का तेल ले रहे हैं, आप चाहे तो रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं। तो हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे एक लाल मिर्च तोड़कर। फिर हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज हम यहाँ पर 3 से 4 बड़े प्याज लिए हैं। हम प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे।
तो यहाँ पर हमारा प्याज भून गया है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। और टमाटर को गलने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे नमक, तो यहाँ पर हम 1 बड़े चम्मच नमक लिए हैं। और याद रहे हाँ कि हम मटर में भी नमक डाले हैं, इसलिए आप उसके अनुसार ही नमक डालिएगा, नहीं तो हमारा चाट में नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो उधर हमारा टमाटर हो रहा है, तो इधर हम अपना मटर देख लेते हैं कि हुआ है कि नहीं। तो देखिए हमारा मटर हो गया है, आप देख सकते हैं कि हमारे मटर जो है अच्छी तरह पक गए हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एक मैशर, मैशर से हम थोड़ा सा मटर को मैश कर लेंगे ताकि हमारा मटर जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पर चाट बना रहे हैं। तो इधर हम अपना टमाटर देख लेते हैं, देखिए हमारा टमाटर गल ही रहा है धीरे धीरे। अगर टमाटर को जल्दी गलाना होगा ना तो आप इसे मैश कर सकते हैं जिस तरह हम कर रहे हैं। तो मैशर लेंगे और टमाटर को हम मैश कर देंगे और प्याज को भी, ताकि हमारा प्याज और टमाटर थोड़ा सा अच्छे से गल जाए। देखिए हमने मैश कर लिया है, इससे क्या होता है कि हमें बहुत कम समय लगता है चाट बनाने में। तो अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। हमारा अदरक लहसुन भून गया है थोड़ा सा, अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। ये रहा हमारा सारे मसाले, सारे मसाले को हम डाल देंगे, डालकर मिक्स कर लेंगे। हम अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जले ना और अच्छे से भून जाए, नहीं तो आप मसाले का पेस्ट भी बना सकते हैं पानी में घोलकर। अब हम सारे मसाले को अच्छी तरह पहले भून लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे मसाले जो हैं वो तेल छोड़ने लगे हैं साइड से। हमारे मसाले जो हैं वो भून गए हैं, तो अब हम यहाँ पर पनीर लिए हैं, पनीर को मसाले के अंदर डाल देंगे। आप पनीर बाद में भी डाल सकते हैं, जैसे गार्निश करते टाइम ऊपर से भी डाल सकते हैं, हम पहले ही डाल रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ग्रेवी जो है वो पनीर के अंदर चला जाता है, और ऐसे होता है कि जब हम पनीर बाद में डालते हैं तो उससे हम खाने में जो पनीर होता है ना वो ड्राई लगता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं आता है, इसलिए हम पनीर को मसाले में ही भून लेंगे। फिर हम इसमें उबले हुए मटर डाल देंगे। मटर को डालकर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हम
हमारा चाट जो है बहुत गाढ़ा लग रहा था, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम आधा चम्मच गरम मसाले डालेंगे। गरम मसाले डालने से चाट का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो गरम मसाला डालकर हम मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर 5 मिनट तक पका लेंगे। तो देखिए हमारे 5 मिनट हो गए हैं और हमारा चाट जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को करेंगे बंद और इधर हम टिक्की बना लेते हैं अपना। तो उसके लिए हमने आलू को उबाल कर आलू को मैश कर लिया है। तो यहाँ पर हम लिए हैं थोड़ा सा चावल का आटा, आप चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर चावल का आटा डाल रहे हैं, इससे हमारा टिक्की जो है वो कुरकुरी होगी। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा टिक्की हमारा तीखापन होना चाहिए टिक्की में, इसलिए डालकर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और आप कोशिश करिएगा कि आलू को आप बॉईल करके आप उसे छील कर और ठंडा होने के बाद ही मैश करिएगा। तो हमने मैश कर लिया है, अब हम हाथों में थोड़ा सा चावल का आटा लगाएंगे और इसे हम टिक्की का शेप देंगे। आपको बड़ा या छोटा टिक्की आप अपने अनुसार कर सकते हैं। देखिए हमारा टिक्की बनकर तैयार हो गया है एक, उसी तरह हम सारे टिक्की को बना लेंगे। तो हमारा टिक्की बनकर तैयार हो गया है। इधर हम पैन को गरम कर लेंगे, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और हाँ, आप याद रखिएगा कि हमने टिक्की में नमक नहीं डाला था, क्योंकि हमारा टिक्की मीठा रहेगा तो उसमें हम नमक नहीं डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपना टिक्की को तल लेंगे। और टिक्की डालते टाइम आप गैस को लो फ्लेम पर रखिएगा, नहीं तो अगर हमारा तवा जो है ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हमारा टिक्की जो है वो जल सकता है। हम यहाँ नॉन स्टिक तवा ले रहे हैं, आप चाहे तो वो तवा भी ले सकते हैं जो होता है ना लोहे का नॉर्मल, वो भी ले सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक तवा से होता है कि हमारी टिक्की जो होती है वो चिपकती नहीं है। या फिर इसे आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं टिक्की को, अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं है तो टिक्की को हम आराम आराम से पलट लेंगे। नॉन स्टिक तवा में यही खासियत है कि इसमें तेल कम लगता है। टिक्की को हम दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लेंगे।
तो हमारी टिक्की हो गया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे, नहीं तो टिक्की ठंडा होने के बाद उसका टेस्ट कम हो जाता है, इसीलिए हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो इसी तरह हम सारे टिक्की को तल लेंगे। तो देखिए हमारा टिक्की कितना कलरफुल आया है और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी था। टिक्की चाट को यहाँ पर हम सर्व करने के लिए यहाँ पर हम लिए हैं इमली का चटनी, हरी चटनी, टिक्की और बारीक सेव लिया है हमने, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ मिर्च और बारीक कटा हुआ टमाटर और प्याज लिए हैं, और यहाँ पर हमने आलू के चिप्स लिया है और दही। तो चलिए हम अपना टिक्की चाट को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दो टिक्की रखेंगे और चम्मच से इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे चाट जो हमने बनाई थी ना, वही वाला चाट डाल देंगे। थोड़ा भर के डालेंगे प्लेट में। उसके बाद हम डालेंगे हरी चटनी, चारों तरफ से अच्छी तरह डाल लेंगे। फिर हम डालेंगे इमली का चटनी। हमने इमली की चटनी का भी वीडियो अपलोड किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं जाकर। तो यहाँ पर हमने इमली की चटनी डाल दिया है। उसके बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, चारों तरफ से अच्छे से डालेंगे। फिर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, आपको जो पसंद हो आप डाल सकते हैं। अगर आपको टमाटर पसंद नहीं है तो आप टमाटर को स्किप कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे यहाँ पर दही, यहाँ पर मैंने खट्टी वाली दही ली है, मीठी वाली दही नहीं लेंगे। और चिप्स को हम हाथों से तोड़कर चारों तरफ डाल लेंगे। यहाँ पर हमने घर का बना हुआ चिप्स लिया है और इसे तेल में फ्राई कर लिया था। फिर हम डालेंगे बारीक सेव, अगर आपके पास सेव नहीं है तो आप इसमें मिक्सचर भी डाल सकते हैं। और ऊपर से हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च। तो हमने यहाँ पर धनिया और हरी मिर्च को डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। आप चाहे तो इसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे ताकि हमारा पनीर टिक्की चाट थोड़ा सा स्पाइसी लगे खाने में। तो हमारा पनीर टिक्की चाट बनकर तैयार हो गया है, अब इसे आप गर्मा गर्म खा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो, और हाँ आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पनीर टिक्की चाट कैसा बना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।